Assalamualaikum, this is Sunila Paras and welcome to the Paras Mentors. Primary mirror, वो भी दो मंजिलों पर मुश्तमिल, आखिर करेगा क्या? कैसे इसे शिप किया गया? इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? और इंफ्रारेड लाइट को ही क्यों इस्तेमाल किया गया? आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में ये किए गए सवालात के जवाब तलाश करेंगे। जी, तो हम पहले बात करने वाले हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर्स के हैरान कुन फंक्शंस की। बट बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। यू आर गोइंग टू नो वेब साइज, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग एंड इवन इट्स वर्किंग। So don't skip the video. So let's start. The James Webb Space Telescope is a three-mirror anesthetic mirror telescope. इसके मिरर्स में नंबर वन प्राइमरी मिरर शामिल है जो कि कनकेव है और वेब का मेन मिरर है। इस पे हम आगे चलकर बात करेंगे। एंड द सेकेंड मिरर इज सेकेंडरी मिरर जो कि कन्वेक्स है और ये थोड़ा सा ऑफ एक्सिस में काम करता है। अगर बात करें तीसरे मिरर की तो ये टर्शी मिरर है। ये मिरर एस्टिग्मेटिज्म को दूर करता है, यानी रोशनी की शुआओं को एक नुक्ते पर मरकूज करता है और इसके साथ साथ फोकल प्लेन को भी फ्लैट करता है ताकि बेहतरीन व्यू प्रोवाइड कर सके। ये तो थे तीन मिरर्स, मगर इनमें सबसे बड़ा बल्कि अहम तरीन मिरर प्राइमरी मिरर है और अब हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राइमरी मिरर इज सो मिस्टीरियस। प्राइमरी मिरर 18 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है जिनकी बनावट हेक्सागोनल है। इनकी मुकम्मल तमीर से पहले इन्हें 11 मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया गया। इन 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स का कुल रकबा 21 फीट या 6.6 मीटर्स है। सो जायंट, इज़न्ट इट? अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे इस वसी मिरर को टेलीस्कोप के साथ शिप किया गया। एक्चुअली इस मिरर को शिप करने के लिए फोल्डिंग मिरर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया। इंजीनियर्स ने मिरर को सेगमेंट्स में तमीर किया जिनका स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया कि वो फोल्ड हो जाए, यानी उनको तह लगाई जा सके ताकि मिरर रॉकेट में फिट हो सके। फाइनली साइंटिस्ट ने प्राइमरी मिरर को टेलीस्कोप के बाकी पार्ट्स के साथ एक बॉक्स की तरह फोल्ड किया और उसे एरियन 5 रॉकेट में फिट कर दिया जो इस वेब को स्पेस में ले गई और वहां ये टेनिस कोर्ट के साइज में खुल गई। एक नुक्ता जो इस प्राइमरी मिरर के स्ट्रक्चर में उभरता है वो है इसके सेगमेंट्स का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि हेक्सागोनल शेप ही रखी गई? बेसिकली इसकी दो बड़ी वजहें हैं। नंबर वन, हाई फिलिंग फैक्टर एंड नंबर टू, सिक्स फोल्ड सिमेट्री। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। हाई फिलिंग फैक्टर से मुराद है सेगमेंट्स बगैर किसी गैप यानी खला के आपस में जुड़ जाए और अगर इनकी शेप गोल या सर्कुलर होती तो इनमें गैप्स रह जाते, तो इनको हेक्सागोनल यानी तकरीबन गोल बनाया गया। दरअसल गैप्स इसलिए अवॉइड किए गए ताकि लाइट को अच्छे से फोकस किया जा सके। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सिक्स फोल्ड सिमेट्री, यानी मिरर को 6 तहे लगाकर बॉक्स नुमा टेलीस्कोप में जोड़ा गया है। ना ये इंटरेस्टिंग? अब हम बात करेंगे बहुत ही अहम पॉइंट सेंसिटिविटी ऑफ प्राइमरी मिरर की जो कि लाइट पे डिपेंड करती है। टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी से मुराद है कि ये कितनी डिटेल से देख सकती है, यानी कितनी तफसीली तस्वीर ले सकती है। तो टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी को इस रिलेशन से वाजिया किया जा सकता है, टेलीस्कोप्स सेंसिटिविटी इज directly proportion to the size of the mirror area, यानी
जितना बड़ा मिरर का साइज होगा एक टेलीस्कोप उतनी ही ज्यादा डिटेल्ड इमेज दिखाएगी। आप जानकर हैरान होंगे कि टेलीस्कोप अपने मिरर के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा रोशनी इकट्ठी करती है बनिस्बत इंसानी आंख के, जो वो खुद डिटेक्ट कर सकती है। बस साबित हुआ कि एक बड़ा मिरर इंतहाई शार्प इमेजेस दिखाता है और टेलीस्कोप उतना ही डीप देख सकती है। अब टाइम है हमारे आखिरी और बहुत ही अहम सवाल का, व्हाई इंफ्रारेड लाइट इज बीइंग यूज्ड इन द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एक बड़ा मिरर इंफ्रारेड टेलीस्कोप के लिए भी बहुत अहम है। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, इसे गौर से समझिएगा। किसी भी टेलीस्कोप की रेजोल्यूशन यानी कि टेलीस्कोप की इमेज कितनी क्लियर है, यही फैसला करती है कि टेलीस्कोप कितनी काबिल है। और रेजोल्यूशन का फैसला ये दो पॉइंट्स करते हैं, नंबर 1 साइज ऑफ द मिरर एंड नंबर 2 वेवलेंथ ऑफ द लाइट। साइज ऑफ द मिरर की हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो इस पे हम दोबारा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट की। हम जानते हैं कि इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है और बड़ी वेवलेंथ की लाइट को अच्छा इमेज दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा मिरर दरकार होता है। अब आप यकीनन जान चुके होंगे कि वाई इंफ्रारेड एंड वाई अ बिग मिरर, और यही वजह है कि वेब इतने ट्रीमेंडस रिजल्ट्स दे रही है। यही नहीं, ये आने वाले वक्त में स्पेस का एक नया कॉन्सेप्ट भी दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर बिफोर लीविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।